अरे महाराज एक काम करो, जाके जरा शीशे में जाके देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेयर स्टाइल स्टाइल कुछ बिगड़ गई हो, बाल वाल फैशन थोड़ा कम पड़ गया हो, कहीं से कुछ शर्ट वर्ट मुड़ गई हो, तो आप इतने सुंदर लगते हैं, इतना आपका वो समझ ना पाई हो कन्या, बाल वाल इधर कंघी होंगी, बाल खड़े हो गए हो, जाके देखना तो ऐसा तो नहीं हो गया। तब हरगन बोले मुस्काई कि निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई, जाके जरा शीशे में देखना कहीं बाल वाल ना बिगड़ गया हो। तो नारद जी ने कहा ये भी तो सही है, जाके एक बार देख लूं, क्या मालूम फैशन कम पड़ गया हो मेरा। तो जाके पहुंचे तो माताओं बंधुओं, कभी आप लोग अजायब घर तो गए होंगे, कई लोग वहां कई ऐसे शीशे होते हैं, किसी में मुंह बड़ा दिखता है, किसी में पतले दिखते हैं, किसी में लंबे दिखते हैं, किसी में यहाँ का वहां दिखता है। जब आप लोग शीशे शीश महल में जाएंगे, इधर का उधर दिख रहा, उधर का उधर दिख रहा। तो नारद जी गए तो देखा तो उनको लगा अरे ये कोई अजायब घर का शीशा लगा रखा है क्या यहाँ पे, सीधा सीधा शीशा भी नहीं लगा सकते लोग, अमीर आदमी। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है हम थोड़ा इधर उधर टहल के देख ले। तो उधर से उधर गए, उधर से उधर गए, जब चारों तरफ घूमा और घूमने के बाद देखा कि अरे ये तो मैं ही हूं और कोई नहीं है। तो बेश पिलो की क्रोध अति बाढ़ा, ध्यान दीजिएगा क्यों गए थे ये रुद्रगण, क्या जरूरत थी। माताओं बंधुओं, नारद जी ने काम पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, गलत फहमी थी उनको। और क्रोध पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, विचार करिए। उदाहरण के तौर पे आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में आपको कोई अच्छा सीरियल आया, कोई अच्छी फिल्म आ रही है, आप देख रहे हैं, आपको किसी अपने मित्र की याद आ गई, आपने उसको फोन लगाया, घंटी पे घंटी जा रही, मित्र ने फोन नहीं उठाया, आप भोजन करके सो गए, संध्या को मित्र आया, मित्र ने कहा अरे आपका फोन आया था मेरे भाई, मैं थोड़ा उस समय थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा सोच रहा था अभी बाद में उठा लूंगा, तो इसलिए क्षमा करना, गुस्सा मत होना, गुस्सा तो नहीं हो। तो वो कहेगा कि अरे कोई बात नहीं, आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं, कैसी गुस्सा, मुझे तुम्हारी याद आई तो लगा लिया, आओ आओ बैठो चाय पीते। तो क्या आपने क्रोध पे विजय प्राप्त कर लिया? आप किसी विषम परिस्थिति में फंसे हैं कहीं और वही एक ऐसा मित्र है जो आपकी मदद कर सकता है और आप उसको फोन पे फोन लगाए जा रहे हैं, कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, वो उठा नहीं रहा है, आप फंस गए किसी प्रकार, शाम तक रात तक जान छुड़ा के आप किसी प्रकार वापस आए। वो मित्र आया, अरे मित्र तुम्हारा फोन मेरे पास आया था और मैं थोड़ा सा उस समय सोचा ना उठाऊं, बिजी था, क्या हुआ बताओ। तो आप कहेंगे अच्छा जब मुझे जरूरत थी तब तो तुम फोन उठाए नहीं, आज के बाद तुम्हारे को मैं ना जीवन में कभी कॉल करूंगा और तुम्हारा नंबर भी मैं डिलीट कर रहा हूं। ऐसे कैसे मित्र हो जब काम पे नहीं काम आ पाए, मदद नहीं कर पाए, नहीं मुझे आवश्यकता है आपकी। कहने का अर्थ है क्रोध की परीक्षा ड्राइंग रूम में सोफे पे लेट के नहीं होती है, क्रोध की परीक्षा होती विषम परिस्थिति में, जब आप हैं तब कितना धैर्य रख सकते हैं, तब कितना चुप रह सकते हैं, तब पता पड़ता है। नारद जी महाराज क्रोध को जीते थे, थोड़ा सा छेड़ क्या दिया तो पेश पिलो की क्रोध अति बाढ़ा और तीन ही शराप तीन अति गाढ़ा। उनसे कहा तुम लोगों ने मेरे को ऐसा कहा तो जाओ हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। अब आप एक बात बताइए, रूप दिया भगवान ने, इनकी विचारों की क्या गलती, इनको क्यों कहा, इनको श्राप देने की क्या आवश्यकता थी, क्यों श्राप दिया जानते हैं, यही क्रोध की प्रवृत्ति है। क्रोध हम उस पर नहीं करते जो क्रोध का अधिकारी है, जिस पर करना चाहिए, जिसने कुछ गड़बड़ की है उस पर हम क्रोध नहीं करते, क्रोध कभी भी अपना अधिकारी नहीं देखता, क्रोध हम उस पर करते हैं जिस पर कर सकते हैं, बस सीधी बात, उसने गलती की कि नहीं की, कि क्या है, कि अच्छा है कि बुरा, वो नहीं, हम जिस पर कर सकते हैं बस इतनी बात, हम इस पर गुस्सा निकाल सकते हैं, ये कुछ नहीं कहेगा, बस बात खत्म, उसके अलावा क्रोध कभी अधिकारी देखता ही नहीं है, क्रोध की प्रवृत्ति है। आप बताइए, आप चले जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आया, आप दूध लेके जा रहे हैं, दोनों टकरा गए, थोड़ा बलिष्ठ है वो, आपका दूध गिर गया, तब तक बगल में एक बच्चा था, वो हंस दिया है देखो तो कैसे इनका दूध गिर गया, तो आप तो खोज ही रहे थे किसी को, उसको तो मारेंगे नहीं जिसने दूध गिराया, आप जाएंगे सबसे पहले उस बच्चे को दो चांटे लगाएंगे कि तुझे बड़ा मजा आ गया,
मेरा दूध गिर गया तो तुझे बड़ी हंसी आ रही है, ये ले दो चार। कहने का अर्थ है क्रोध सदैव अपना अधिकारी नहीं ढूंढता है, जिस पे निकाल सकते हैं उसी पे निकलता है। उन्होंने कहा जाओ जाकर निशाचर हो जाओ, कपटी पापी दो, हमारी गलती क्या है? बोले हंसे वो हम ही, इतनी सी गलती, हंस दिए तो श्राप दे दोगे आप तीन जन्म का। हंसे वो हम ही सोले उफल बहुरी हंसे वो मुनि को, और हंसना तब समझ में आएगा, आज के बाद समझ में आएगा हंसना किसे कहते हैं। अब वो तो बेचारे मुंह लटका के चले गए, और नारद जी का क्रोध भी अभी भी शांत नहीं है। फरकत अधर, होंठ फड़फड़ा रहे, कोप मन माही, और सपदी चले कमलापति पाही, कि देई हूं श्राप कि मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो श्राप दे दूंगा, ध्यान दीजिएगा, अर्धाली का अर्थ है मरिहूं जाई। मरिहूं के दो अर्थ होते हैं, मरिहूं का एक अर्थ होता है मारना और दूसरा अर्थ होता है मरना, दोनों अर्थ निकल रहे हैं इसमें। या तो मार दूंगा और या मर जाऊंगा, दोनों की मरी हूं जाई। दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। हंसी उड़ा दी मेरी, बेइज्जती कर दी मेरी, अब किसको मुंह दिखाऊंगा, थू थू करवा दी मेरी। मार दूंगा या मर जाऊंगा, मार दूंगा या मर जाऊंगा। माताओं बंधुओं जो आए हैं आज और उनको संतों का दर्शन, और वैसे भी इतने तपस्वी संत का दर्शन हो रहा है महाराज जी के साथ, एक तो महाराज जी स्वयं ही तपस्वी हैं, साथ में स्वामी जी तपस्वी हैं, ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि स्वामी जी समय निकाल कर आए। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा ना होई सो गावे ही वेद पुराण। तो संत समागम से बड़ा तो कोई लाभ ही नहीं है, जहाँ दो दो संत इतने तपस्वी बैठे हो। वाह, महंत श्री उत्तम गिरी जी महाराज पधारे, उनका बड़ा आशीर्वाद है सब पर। तो माताओं बंधुओं में कह रहा था, नारद जी ने कहा मरिहूं जाई, तो मरिहूं के दो अर्थ मार दूंगा या मर जाऊंगा। तो भगवान को लगा कि नारद जी मार दूंगा सोच के आ रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन बीच में उनको जब क्रोध थोड़ा ठंडा हो और समझ में आए कि अरे ये प्रभु तो हमारे सर्वशक्तिमान है, कोई मार पाया है आज तक उनको, उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और ये सोचे कि हमारी तो बेइज्जती हो ही गई, हम अब मुंह दिखाने के लायक रहे नहीं, भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो क्या करें, तो हमसे मजबूर का गुस्सा भी अजब बादल है, अपने ही दिल से उठे, अपने ही ऊपर पर से, हो सकता है वो सोचे कि भाई अब खुद की बेइज्जती हो गई है, कहीं बीच में कोई कुआं, कोई खाई, कोई गड्ढा दिखे, कोई रस्सी दिखे पेड़ में लगा के फांसी, या कोई गड्ढा दिख जाए, कुआं दिख जाए, कूद जाए और जान दे दे, तो मजाक मजाक में भक्त की जान चली जाएगी, हमें मारने आ रहे हैं तब तक ठीक है, खुद ना मर जाए। ये सोचकर बीच ही पंथ मिले तनुजारी, वहीं प्रकट हो गए भगवान, वहीं खड़े हो गए, नारद जी जो करना हो कर लो, मैं आ गया। बीच ही पंथ मिले तनुजारी, और संग रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिए माताओं बंधुओं, भगवान ने कहा नारद जी इतने गुस्से से कहां चले जा रहे हो? बोले मधुर बचन सुर साई, कि मुनि कहां चले पिकल की नाई। कहां चले जा रहे हो, क्या हो गया नारद जी, इतने गुस्से से क्यों जा रहे हो? नारद जी महाराज ने देखा भगवान की तरफ, फिर एक तरफ देखा माता लक्ष्मी खड़ी है, दूसरी तरफ देखा वही कन्या जिसके पीछे इतना सा प्रपंच हुआ। नारद जी से भगवान कहते क्यों इतना गुस्सा क्यों है, क्या हो गया, इतना क्यों आप दुखी हैं? नारद जी ने कहा अच्छा प्रभु, हम क्यों दुखी है, माने आप ये पूछ रहे हैं कि हम दुखी क्यों हैं? हाँ, मतलब प्रभु आपको कुछ नहीं मालूम मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों गुस्सा हूं, आप बिल्कुल नहीं जानते। नहीं नहीं बताइए नारद जी क्यों गुस्सा। नारद जी ने कहा वाह, एक शायर कह रहा है माताओं बंधुओं की, दिन एक सितम एक सितम रात करो हो, बहुत प्रसिद्ध शेर है, दिन एक सितम रात करो हो। नारद जी भगवान को यही कह रहे होंगे कि दिन एक सितम रात करो हो,
वो दोस्त हो दुश्मन को भी जो मात करो हो, और दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। मारने के बाद भी हमको इतनी सफाई से कह रहे हो कुछ नहीं, हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं शहीदे नाश बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। हमको मारने के बाद हम ही से पूछ रहे हो कि क्या हो गया नारद जी, क्यों इतने दुखी हो, माने आपको कुछ नहीं मालूम प्रभु। भगवान ने कहा नहीं नहीं हमके कुछ नहीं मालूम नारद जी। तो नारद जी ने कहा आपको तो कुछ नहीं मालूम प्रभु, लेकिन अब हमको सब कुछ मालूम पड़ गया है। आज हम सब जान गए। क्या जान गए? कहा यही जान गए प्रभु कि आप कोई भगवान भगवान नहीं है। देखिए नारद जी महाराज का क्रोध, एक भक्त की पीड़ा देखिए। प्रभु आप कोई भगवान भगवान नहीं हैं, हम जैसे अंधे भक्त आपको वर्षों से पूरे जीवन भर भजते आए, लेकिन एक बार कुछ मांग लिया तो आपसे देने की नहीं बनी। मैं समझ गया प्रभु, प्रभु आप भगवान नहीं हैं। माताओं बंधुओं, नारद जी महाराज का क्रोध व्यर्थ नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उसी के ऊपर क्रोध करते हैं, हमें गुस्सा उसी के ऊपर आता है जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र। जरा सी बात पर इतना मलाल करते हैं, शिकायतें भी वहां हैं जहां मोहब्बत है। माने हम जहां जिससे प्रेम नहीं होगा उससे गुस्सा क्यों करेंगे जी, हमें किसी से क्या लेना देना, आप बताइए। नारद जी महाराज सबसे ज्यादा यदि प्रेम किसी से करते हैं तो प्रभु से करते हैं। और नारद जी सोच रहे हैं कि प्रभु इस संसार में हर व्यक्ति मुझे धोखा देता, मेरी बात ना मानता, कोई बात नहीं। अरे मेरे प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, जिस पर मैं इतना विश्वास करता था आपने कैसे धोखा दे दिया मुझे। भगवान ने कहा नारद जी हुआ क्या ये तो बताओ। नारद जी कहते हैं प्रभु हुआ ये है कि आप भगवान नहीं हो। कैसे? हम बताते हैं कैसे। पर संपदा सकहु नहीं देखी, ये भगवान का लक्षण है, दूसरे की खुशी नहीं देख सकते। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट पिसेखी, मथत सिंधु रुद्र ही पौरायो, और सुरन प्रेरी विषपान करायो। प्रभु यदि समुद्र मंथन के समय कोई बारीकी से आपका खेल देख लेता ना, आपकी चाल पे थोड़ा सा ध्यान दे देता, तो सारी पोल पट्टी तो उसी समय खुल जानी थी। क्या वाह, 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में प्रभु, लेकिन आपने क्या किया, असुर सुरा राक्षसों को तो शराब पिला के टुन्न कर दिया ताकि वो कुछ मांग ही ना पाए, नशे में ही बेहोश रहे। असुर सुरा विष शंक रही, अपने सबसे प्राणों से प्यारे प्रिय मित्र को जो आपके नाम के अलावा कोई नाम नहीं लेते उनको जहर दे दिया। असुर सुरा विष शंक रही, और आप रमा मणि चारु, और स्वयं क्या रखा, कौस्तुभ मणि और माता लक्ष्मी, माने 14 रत्नों में जो सबसे अच्छे रत्न निकले थे वो अपनी झोली में डाल लिए। वाह प्रभु क्या बंदर बांट की है आपने, आज समझ में आ रहा है। लेकिन नारद जी ये नहीं समझ रहे कि शक्ति उसी के पास होनी चाहिए जो जिम्मेदार हो, दूसरे के पास चली जाएगी तो भस्मासुर नहीं हो जाएंगी दुनिया। नारद जी सब गुस्सा है उनको, तो कह रहे हैं असुर सुरा विष शंक रही, आप रमा मन चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। सबसे स्वतंत्र हो, कोई आपको पूछने वाला तो है नहीं कि अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, तो भावई मनई करहु तुम सोई। अरे भले ही मंद मंद ही भल करो, अच्छे के साथ बुरा करते हो प्रभु और बुरे के साथ अच्छा करते हो, विषमय हरष नहीं कछु धरो। और ऐसा करके आपको माने कुछ दुख भी नहीं होता, कुछ आपको ऐसा भी लगता कि मैंने गलत कर दिया अच्छे व्यक्ति के साथ। वाह प्रभु क्या करनी है आपकी। डहकी डहकी परिचय सब काहू, डहकी डहकी भी अवधि शब्द है, माने ठगना। चोर जब ट्रेंड हो जाता है ना तो उसे चोरी करने में डर नहीं लगता, हाथ की सफाई करने में। कहते हैं ना चोर चोरी जाए हीरा फेरी से ना जाए, हम लोग किसी चीज को उठाने में 100 बार सोचेंगे, लेकिन जो शातिर हो जाता है उसको तो एक मौका लगता है खट से, वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो कह रहे हैं कि प्रभु शातिर हो गए ठग ठग के, आप इतने शातिर हो गए हो ठग ठग के। कानपुर से कोई बैठा है यहाँ, है कोई? कोई नहीं।
कानपुर में ठग्गू के लड्डू है, ठग्गू के लड्डू। और उसके ऊपर लिखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं। क्या बात है। तो नारद जी कह रहे हैं, प्रभु ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तुमने डह की परिचे सब काहू अति असंक मन सदा उछाहू। लेकिन प्रभु इस बार दही के धोखे में आपने, चूने के धोखे में दही खा लिया है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। भले भवन अब करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा और अब लगी तुम्हें न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना और पावहुगे फल आपन कीना। अब बहुत गलत गलती से पंगा ले लिया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। तो कहा कि क्या करेंगे आप? बोले सबसे पहले तो ये करेंगे कि आपने हमको ऐसा रूप दिया, हमको बंदर बनाया, कन्या हमको देखना पसंद नहीं की, देखा हृदय क्रोध भाते ही। प्रभु इस रूप को आपकी कन्या ने देखना पसंद नहीं किया है, मैं श्राप देता हूं कि आपकी कन्या रोती रह जाएगी, यही रूप देख करके प्रसन्नता होगी उसको जिस रूप को आज उसने धुतकारा है। हनुमान जी महाराज जब तक नहीं पहुंचे थे, रामचंद्र गुण भर नहीं लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। प्रभु श्राप देता हूं आपको, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, बंचे मोहि जवनी धरी देहा, सो तनु धरे वो श्राप मम एहा। मनुष्य शरीर धारण करके और इस प्रकार से आपने मुझको धोखा दिया, आपको मनुष्य शरीर भी धरना पड़ेगा प्रभु। और कहा तीसरा, कन्या भी दुखी होगी, हमको देखकर हमारे इस रूप को देख करके प्रसन्न होगी जिस रूप से आज क्रोध कर रही है, और प्रभु आप भी दुखी होंगे जैसे हम दुखी हुए हैं आज इस कन्या के लिए। आपको क्या लग रहा है, समझ आ चल रहा है? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? आप हमको आपको समझाने के लिए लोग घूमेंगे तब समझ में आएगा आपको। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। आप भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे, तो श्राप शीश धरी हरषिय प्रभु बहु विनती कीन। अब तो मान जाओ नारद जी, श्राप भी दे दिया, डांट भी दिया, अब तो शांत हो जाओ। नहीं मान रहे थे, तब तक निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि लीन। जैसे ही भगवान ने जब हरी माया दूरी निवारी, तो नहीं तो रमा न राजकुमारी। दोनों चले गए। अब क्योंकि समय हो रहा है, सूत में बता रहा हूं, यही है इस संसार में, ना तो कोई रमा है ना राजकुमारी है, सब मिथ्या है, सब माया है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या डांटेंगे, मैं क्या खाऊंगा, कहां से गाड़ी लाऊंगा, सब माया है ये। जब निकलेगी तब समझ में आएगा कहीं कुछ नहीं है। नहीं तहिर नहीं तह रमा न राजकुमारी। चरणों पे गिर गए नारद जी, अरे सब झूठ हो जाए, सब कैंसिल हो जाए, जितना श्राप दिया था सब खत्म हो जाए। रखा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने कहा देखिए नारद जी, जो आपके करने से हुआ नहीं तो आपके करने से वो कैंसिल भी नहीं होना है, वो मम ईक्षा कह दीन दयाला। तो नारद जी का वो तो ठीक है, लेकिन प्रभु मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाई किमी मेरे। लेकिन इस माया के चक्कर में मैंने जितना आपको अपराध, जितना मैंने आपको अनर्गल कह दिया, प्रभु कैसे पाप मिटेगा, कैसे ये होगा? भगवान ने कहा उसका मैं उपाय बता दे रहा हूं। जाओ जप ही जाओ शंकर सतनामा, जप हूं जाई शंकर सतनामा। जाइए जाकर के शंकर जी का सतनाम जपिए। तो ऐसे समझने में तो आता है कि शंकर जी का नाम जपिए, लेकिन शंकर जी का सतनाम शंकर जी नहीं है। क्या है शंकर जी का सतनाम? माताओं बंधुओं एक घटना से आपको बताऊं, उसी के साथ मैं आज वाणी को विराम दूंगा। शंकर सतनामा है क्या? एक बार महादेव काक भुजुंडी जी महाराज के साथ पृथ्वी पर विचरण करने आए, तो देखते क्या है कि एक अंतिम यात्रा चली जा रही है। अंतिम यात्रा को देखकर
अंतिम यात्रा में सब लोग कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। महादेव ने कहा अरे कहा भुशुंडी जी कितनी अच्छी यात्रा जा रही, कितनी अच्छी मंडली है, कितना अच्छा भजन चल रहा है, चलो चलो हम भी चलेंगे साथ में, इसमें जुड़ जाएंगे। हम लोग देखते ना कुछ, हम लोग भी नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, कहीं कुछ जुलूस निकलता है, वो भी राम नाम सत्य है कहते हुए चले गए। आगे पहुंचे, अंतिम यात्रा में उस शव को जलाया, जलाने के बाद जब वापस आने लग गए तो सब चुप। महादेव ने कहा अरे काकुशुंडी अभी तो ये लोग इतना सुंदर मंत्र का जाप कर रहे थे, आते समय सब चुप क्यों हो गए, कोई क्यों नहीं कह रहा राम नाम सत्य है। काकुशुंडी जी ने कहा प्रभु जो व्यक्ति इनसे कहलवा रहा था ना राम नाम सत्य है उसे तो ये लोग जला के आ गए वहां शमशान में, उसको छोड़ के आ गए। महादेव ने कहा क्या इन जिंदा लोगों को वो मुर्दा सिखाता है कि राम नाम सत्य है, उस मुर्दे से सीखने की आवश्यकता है, वो मुर्दा बाध्य करता है राम नाम सत्य है। हाँ प्रभु वो बाध्य करता है। महादेव दौड़ के गए और दौड़ के जाके सारे शव की भभूत अपने शरीर पे लपेट ली और कहा इस भभूत को अपने शरीर से कभी अलग नहीं करूंगा क्योंकि ये हमको आपको सदैव सिखाती रहेगी कि अगर सत्य कुछ है तो राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। माताओं बंधुओं यही बात महादेव कह रहे हैं माता पार्वती से कि पार्वती जी क्या सत्य है इस संसार में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य है तो केवल राम नाम सत्य है बाकी इसके अलावा सब मिथ्या है। जब नारद जी महाराज को ये बात समझ में आ गई तो क्या हुआ, कहा था शंकर सतनामा बहुविधि मुनि प्रबोधि तब प्रभु भय अंतर ध्यान और सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। नारद जी भी समझ गए कि सत्य है तो केवल राम नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या है, उसी को मानो उसी को भजो। माताओं बंधुओं उसके अलावा जो मैंने कहा जो भी अहम है वो केवल वहम है और कुछ नहीं है, सब भ्रम है। कुछ भी पालिए इस संसार में गलत फहमी कभी मत पालिए वरना प्रभु ऐसी पटकनी दे देंगे ना कभी कि बड़े बड़े नहीं रहे तो हम और आपके क्या भी साथ है। केवल उन प्रभु की कृपा का दर्शन करिए सदैव। कुछ भी आप ख्याति प्राप्त कर लें, पद प्राप्त कर लें, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, पैसा प्राप्त कर लें, बल प्राप्त कर लें, सदैव उनकी कृपा का उसमें दर्शन करिए, उनको धन्यवाद देते रहिए। इसी के साथ मैं आज वाणी को विराम दूंगा और निवेदन करूंगा। आज स्वामी जी भी बैठे हैं आए हैं, माता जी भी आई हैं, हमारे बहुत सुंदर रेणु जी आई हैं, इनकी बड़ी सुंदर एक पुस्तक है और वो चाहती हैं कि स्वामी जी को, स्वामी श्री उत्तम गिरी जी को और महाराज जी को, स्वामी श्री विद्यागिरी जी को वो भेंट करेंगी और मैं श्री राम नाम जप करके राम धुन करके बैठूंगा, तत्पश्चात आगे का मंच स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यागिरी जी के पास होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय सिद्धिकरण हनुमान, जय जय सिद्धिकरण हनुमान, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, कलियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता
माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, परम श्रद्धे महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज की जय हो, परम श्रद्धे महंत श्री उत्तम गिरी जी महाराज की जय हो, परम श्रद्धे महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज की जय हो, समस्त संत गणों की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, समस्त भक्त गणों की जय हो, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पावन मौके पर इस पवित्र संगम इस प्रयागराज में मेरी इस किताब को, इस पुस्तक को, इस कहना है कुछ को, आप सभी का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। छोटी छोटी कहानियाँ हैं, 19 कहानियों का ये संग्रह है, और हर कहानी कुछ कहती है। हर कहानी, जैसे मैं कहूँगी कि आपके और हमारे सभी के बीच से ली गई हैं। हर किरदार आप हैं, मैं हूँ, और शब्द शब्द में मैं हूँ, जैसे बहुत कुछ कह दिया है मैंने इसमें, फिर भी आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि इसका दूसरा पार्ट कहना है कुछ और बहुत कुछ कहूँ, क्योंकि हलचलें बहुत हैं दिल में, बहुत कुछ कहने के लिए और बहुत कुछ आप सभी के विचार जानने के लिए मैं उत्सुक रहूंगी, लालायित रहूंगी। बहुत अच्छा भविष्य, समाज के प्रति विचारधारा, ये जो साहित्य की कलम है ये बिना भावनाओं के नहीं चलती है, भरा हुआ जो भावों में जिसमें बहती रसधार नहीं, वह मनुज नहीं वह पत्थर है, जिसे साहित्य से प्यार नहीं। साहित्य से प्रेम करना तो हमारा धर्म है, और वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। ये समाज में संक्रमण काल चल रहा है, नारी दूसरी विधाओं की ओर जाने को तैयार है, लेकिन उस समय साहित्य का सृजन करना, साहित्य का मनन करना, साहित्य का चिंतन करना, साहित्य का उद्बोधन करना, साहित्य का अवगाहन करना, साहित्य में सरोबार हो जाना, उसे आत्मसात कर लेना, ये शायद कोई हजारों हजारों में एकादा हमारी रेणु जी अग्रवाल की तरह होती हैं। उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।